बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मर्दान पुलिस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट उमर कामरान और मैं हूं सलमान शाह। नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पे। ताना शेख मखदूम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ताना शेरगढ़ पुलिस और सूबा पंजाब के ज़िला सरगोधा पुलिस को अगवाई की दहशत गर्दी, इकदाम कत्ल और दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब खतरनाक मुजरम इश्तहारी सहान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुजरिम की गिरफ्तारी पर हुकूमत के जानिब से 20 लाख रुपये इनाम भी मुकर्रर था। मुहर्रम अल हराम के पुरअमन इनेकाद के सिलसिले में जिली पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया। जिला भर में रात के वक्त भी पुलिस नाकाबंदियां कायम रहेगी। मुहर्रम अल हराम के दौरान बिकट गंज बाजार और बैंक रोड मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। ट्रैफिक वार्डन पुलिस ट्रैफिक की रवानी के लिए मुतबादिल रोड्स बनाए हैं। अवामुन्नास आने जाने के लिए दूसरा रूट अख्तियार करे। मुहर्रम अल हराम के दौरान जिली इंतजामिया जानिब से दफा 144 नाफिस कर दिया गया है। अवामुन्नास दफा 144 में नाफिस करदा पाबंदियों पर अमल दरामद को यकीनी बनाइए। तफसीलात के मुताबिक DPO जनाब इरफानुल्लाह खान के खसूसी अहकामात को पेश नज़र जिली पुलिस का मुजरमानी इश्तिहारियों और जराइम पेशा अनासरों के खिलाफ मजीद गहरा तंग कर दिया है। बड़ी खबर शामिल करते हैं कि DSP सबजली खान को निगरानी और SHO शबीर खान की क्यादत में ताना शेख मखदूम पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए ताना शेरगढ़ और सूबा पंजाब की ज़िला सरगोधा पुलिस को अगवाई की दहशतगर्दी और इकदाम कत्ल और कई दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब खतरनाक मुजरम इश्तिहारी ईसा खान सकना शीरीन बाचा पूर्णा शेरगढ़ को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुजरम इश्तिहारी के सर पर हुकूमत की जानिब से 20 लाख रुपये इनाम भी मुकर्रर थी। ताना शेख मखदूम पुलिस ने मुजरम इश्तिहारी को निहायत हिकमत अमली से गिरफ्तार करके मजदूर कानूनी कार्रवाई का आगाज किया। आपको बताते चले कि मुहर्रम अल हराम के पर अमन इनेकाद के लिए जिली पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया। जिला के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की इजाफी नाकाबंदियां कायम कर दी गई है, जबकि रात के वक्त भी पुलिस नाकाबंदियां और स्नैप चेकिंग कायम रहेगी। अवामुन्नास चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ ताउन करें। आपको आगाह करते चले कि 10वें मुहर्रम अल हराम तक बिगड़गंज बाजार और बैंक रोड हर किस्म आमदोरफ्त के लिए बंद रहेगा। ट्रैफिक वार्डन पुलिस ने ट्रैफिक की रवानी के बरकरार रखने के लिए मुतबादिल रूट्स का इंतजाम कर दिया है। अवामुन्नास शहरी इलाका में आने जाने के लिए मुतबादिल रूट इख्तियार करें। आपको आगाह करते चले कि जिली इंतजामिया की जानिब से एक माह के लिए दफ़ा 144 नाफिस कर दिया गया, जिसमें नफरत अंगेज मवाद फैलाने, मोटरसाइकिल की डबल सवारी, दीवारों पर लिकाई, काले शीशों, मुश्तफ़ी गाड़ियों का इस्तेमाल, दो अफराद से ज़ायद अफराद को इकट्ठा होने पर, दूसरों फिरकों को बाजार में तनकीद पर बाजार कैदीन के ज़िला में दाखिले पर, हवाई फायरिंग व असलाह की नुमाइश पर, लाउड स्पीकर के नाजायज इस्तेमाल पर, दूसरे अजला से ताल्लुक रखने वाले अहले तशरी का मर्दान मुहर्रम के जुलूसों में शिरकत पर, अफगानी बाशिंदगान का अपने हदूद से बाहर निकलने पर, इमाम बारगाह और जुलूस के रास्तों पर अजनबी व मशकूक अफराद का होटल सराय और घरों में रिहायशी पर, खसूसी तौर पर बिकट गंज करीबी इमारतों को छतों पर चढ़ना, माँ सिवाय सिक्योरिटी अहलकारों के। अवामुन्नास दफा 144 में नाफिस करदा पाबंदियों पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाइए। बसूरत दीगर आपके खिलाफ दफा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवामुन्नास से गुजारिश है कि अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल और हर किस्म नशा से पाक माहौल फराहम करने के लिए अपने पड़ोस और आस पास में जराइम पेशा अनासर को बेनकाब करके मंजर आम पर लाइए और पुलिस को जराइम पेशा अनासर की सरगर्मियों से फौरी आगाह करें। जिम्मेदार शहरी बनकर अपने बच्चों की मुस्तकबिल को रोशन बनाइए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मर्दान पुलिस न्यूज़। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशिश डिस्ट्रिक्ट पुलिस मर्दान इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह नेगीबान।